तो मुझसे जितना हो सकेगा उतने पॉइंट में मैं खुद जाऊंगा, उतने पॉइंट को मैं खुद विजिट करूंगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसा आप लोग, उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी का ये वीडियो हमारा स्टार्ट हुआ है महाबलेश्वर से। तो अभी हम महाबलेश्वर से पंचगनी जा रहे हैं, जिसके बारे में मतलब मैं अपने स्कूल में बहुत सुना था, उसके बारे में ऐसे लिखा था, मतलब हिंदी में बोले तो निबंध लिखा था उसके बारे में। तो आज वही जगह मैं देखने जा रहा हूँ कि कैसी है वो जगह। अगर आपने महाबलेश्वर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, फिर आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ये एक तरह से समझ लीजिए हमारे महाबलेश्वर वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। आप लोग को महाबलेश्वर वाली वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को बाइक से स्टार्ट इसलिए किया हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी, बस मुझे एक जगह पर्सनल पंचगनी देखना है कि कैसी है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, मुझे वो जगह दिखने के, जिसके बारे में मुझे मतलब स्कूल में इंग्लिश टीचर मेरी पढ़ाती थी। जैसे माथेरान में बहुत सारे पॉइंट हैं, वैसे ही इस महाबलेश्वर में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। मतलब आप एक दिन में सब पॉइंट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी जो मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था तो एक भाई ने मुझे बताया कि विल्सन पॉइंट इतना खास नहीं है। अभी हो रहे दोपहर के 12:45, देखते हैं पंचगनी कितने बजे पहुंचे। स्कूल में मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी, जब उनका पीरियड आता था, वो अक्सर बोलती थी कि हिल स्टेशन के बारे में मतलब ऐसे लिखो, जैसे हिंदी में बोले तो निबंध लिखो। तो सब पंचगनी के बारे में लिखते थे, मैडम बोलती थी पंचगनी के बारे में लिखो। तो मैंने मतलब वो जगह गया नहीं था कभी, कैसी है, क्या है, मुझे मालूम नहीं था। तो आज जाके देख लेता हूँ वो जगह कैसी है, जिसके बारे में मैं ऐसे लिखता था। बाय द वे, आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, यहाँ पे बार बार बदली हो रही है। मतलब धूप निकली है लेकिन 24-23 डिग्री ऐसा ठंडी है यहाँ पे, जो अपने घर में एसी चलती है वही। भाई की शादी की वीडियो को डालने के बाद मतलब मौका ही नहीं मिल पाता था कि मैं कोई वीडियो डालूं, कुछ एक्सप्लोर करूं, कोई जगह पे जा पाऊं। मैं महाबलेश्वर आने का बहुत दिन से प्लान बना रहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से टल जाता था। बहुत दिन के बाद आना हुआ है तो सोचा पंचगनी भी हो लें। मैंने मैप में देखा था पंचगनी नज़दीक है यहाँ से। आप लोगों में से कौन कौन पंचगनी आए हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और लास्ट वीडियो में कौन कौन महाबलेश्वर आया है, जो जो जिसने देखी होगी आप लोगों ने, तो वो भी कमेंट करके बताएं। महाबलेश्वर की एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत बिकती है। स्ट्रॉबेरी जो आप लोग देख रहे हैं काका लगाए, लगता है यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी है, या शायद स्ट्रॉबेरी की खेती होती होगी यहाँ पे, मे बी। जो जानता होगा कमेंट करके बताएं। आज के दिन मेरी गाड़ी RS 200 पूरे पूरे 500 किलोमीटर कवर करेगी सिर्फ आज के दिन। महाबलेश्वर वेना लेक से पंचगनी ऑलमोस्ट 15 से 16 किलोमीटर दूर है। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो पंचगनी या महाबलेश्वर आने का इरादा रखते हैं, तो वो अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे विला, होटल सब आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो है, बारिश में ये सब जगह आने में मज़ा एकदम अलग है, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे अगर आएंगे तो। बारिश में बहुत मज़े वाली जगह है। मुंबई से महाबलेश्वर पहुँचने में पूरे पूरे 5 घंटे लगे थे। आधे घंटे का ब्रेक लिया था मैंने बीच में, और 2-5 मिनट रास्ते में रुकता था मैं। तो देखते हैं पंचगनी अभी कितने बजे पहुँचेंगे, क्योंकि महाबलेश्वर से हम ठीक 12:45 पे निकल गए थे पंचगनी के लिए, और पंचगनी कुछ 15 किलोमीटर दूर है ये जंगलों से होके गुजरने अपने को। और क्या, बाकी सब बढ़िया है, और क्या यार। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मैंने ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाया ये पंचगनी वाला, एक शॉर्ट में वीडियो बनाया, बस मुझे विजिट करना था, एक्सप्लोर करना था वो जगह को।
ये कैसी है पंचगनी जगह। बाकी सब बढ़िया है। तो फाइनली हम अभी पंचगनी पारसी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो मैं यहां से आप लोगों को यहां का व्यू दिखा देता हूं। यहाँ का सीन कुछ माथेरान के जैसा ही है, क्योंकि जैसे माथेरान में बहुत सारे पॉइंट एक दिन में घूम नहीं पाते ना, वैसे यहाँ पे भी एक दिन में सारे पॉइंट घूम नहीं पाओगे आप लोग। तो यहाँ पे घूमने के लिए आपको सारे पॉइंट कम से कम 2 दिन का तो टाइम चाहिए। तो मुझसे जितना हो सकेगा उतने पॉइंट में मैं खुद जाऊँगा, उतने पॉइंट को मैं खुद विजिट करूँगा, और जो मतलब खास खास पॉइंट है, जो जाने वाने पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है, तो वहाँ तक मतलब जाऊँगा मैं, देखूँगा फिर। और जो पॉइंट पर नहीं जा सकता हूँ, जो इतना मतलब इतना खास नहीं है, तो वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से घर भी पहुँचना है, मुंबई भी पहुँचना है। पंचगनी का ये है पारसी पॉइंट है। बस यही एक मुझे पारसी पॉइंट देखना था, कि मतलब पंचगनी के बारे में जो मैंने सुना था, जो मैंने पढ़ाई की थी अपने बचपन में, जो हमको टीचर लोग मतलब ऐसे में निबंध में लिखवाती थी कि पंचगनी के बारे में कुछ पॉइंट लिखो, तो वो पंचगनी में अपने आँख से देख लिया हूँ। बस ये तसल्ली करनी थी, अब आगे कुछ चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आप लोग को, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दें। मिलता हूँ आप लोग से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन दी अनदर वीडियो। ओके टाटा टेक केयर। फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, और अभी 9:30 बज रहे हैं, और गाड़ी चल चुकी है पूरे 485 किलोमीटर टोटल।